हेलो दोस्तों, मैं राजीव रंजन आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों अभी हम जहाँ पे हैं, ये मंझौली पंचायत है और ये विक्रम प्रखंड में पड़ता है। और अगर हम पटना एम्स फुलवारी शरीफ की बात करें तो वहाँ से इसकी दूरी 30 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ से जो मंझौली पंचायत से दुल्हिन बाजार प्रखंड की दूरी 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पे दोस्तों एक महामाया माई मंदिर है, यहाँ का हम आपको व्यू दिखाएंगे। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिर लेकर चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ का व्यू हम आपको दिखा देते हैं। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, ये 98 है और यहाँ का हम थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देते हैं। NH 98 है जो पटना से औरंगाबाद जाती है, ठीक है। विक्रम होते हुए आपको दुल्हिन बाजार होते हुए औरंगाबाद की ओर जाती है। तो यहाँ का आपको हम व्यू दिखाएंगे। दोस्तों ये जो महामाया माई मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना हुआ है, बहुत ही शांत जगह पे बना हुआ। हम आपको मंदिर लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ का थोड़ा सा और भी व्यू हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये जो मंदिर बना हुआ है, आपको एकदम खेत का वातावरण जो है वहाँ पे ये बना हुआ है। तो ये जो मंदिर बना हुआ है महामाया माई मंदिर, ये रोड किनारे ही बना हुआ है। और यहाँ का जो आप व्यू देख रहे हैं, पूरा एकदम खेत का नज़ारा भी है। हम आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, और भी हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। दोस्तों अभी हम मंदिर में आ गए हैं और महामाया माई मंदिर का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। बहुत शांति मिलती है, ये मनोकामना पूर्ण मंदिर जी जी है। यहाँ पर बहुत लोग इसी उद्देश्य से आते हैं कि यहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो पूर्ण होती है, हमारे भी मन्नतें पूर्ण होती है। अच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो यहाँ पे? मेरी माता जी है, शादी जी शादी के पर्पज से। अच्छा आंटी, यहाँ पे आप आई तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आपकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हुई? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोग जो आते हैं और यह मनोकामना मांगते हैं और यह मनोकामना पूर्ण करने वाली माता है, तो सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं, ऐसा लोग यहाँ पे कहते हैं। तो अभी हम मंदिर के और अंदर का व्यू हम आपको दिखाते हैं। आइए दोस्तों, मंदिर के पुजारी हैं, उन्हीं से बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। बाबा, इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मंदिर को 400 वर्ष हो गया। अच्छा, 400 वर्ष पुराना मंदिर है? पुराना मंदिर है जी। और यहाँ कहानी है जी,
कि जो मांगते हैं वो पूरा करते हैं, यानी मनोकामना पूर्ण मंदिर है। जो भी कोई श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, पूरा हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये मनोकामना पूर्ण मंदिर के नाम से विख्यात है, माँ माया माई मंदिर। जो लोग भी यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं। सब पूरा हो जाता है जी, ये मन से बोल दो पूरा हो जाएगा। जो भी आप मन से यहाँ पे मांगेंगे आपकी मुराद यहाँ पे पूर्ण होगी। तो थोड़ा सा और भी हम व्यू दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ बाबा से जानते हैं, एक नीम का पेड़ है उसके बारे में जानते हैं बाबा से। बाबा जी ये बताइए, एक नीम का पेड़ है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? वो बलिदान पड़त है। अच्छा, तो वह सती माई देव नीम के पेड़ जमे थे। अच्छा, बलिदान हुआ तो उसके बाद जो पेड़ जमे थे, पेड़ जमे थे, तो एक लड़का आया दतवन तोड़ा। अच्छा अच्छा, उसका खून देवे लगा मुँह से, वजह से पूजा लगा, तब से पूजाने लगा। तो नीम का पेड़ है यहाँ इस परिसर में ही है। हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों, हम आपको वो पेड़ भी दिखाते हैं, नीम का पेड़, ठीक है, वहां पे लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यही नीम का पेड़ है, हम आपको नीम का पेड़ दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये नीम का पेड़ है और यहाँ पे लोग मुराद मांगने के लिए आते हैं, और जिनकी मुराद पूर्ण हो जाती है यहाँ पे चुनरी बांधने का भी रिवाज है, हम आपको दिखाते हैं। आइए दोस्तों, फिर बाबा जी से पूछते हैं। बाबा जी, यहाँ के बारे में थोड़ा सा और बताइए। यहाँ जो गोल लगते हैं, पूजा करते हैं, वो जो चुनरी चढ़ाते हैं, जिसका पूरा हो जाता है, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हो जाता वो चुनरी चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं। जी जी जी, तो देखें दोस्तों, यहाँ जो भी लोग यहाँ पे आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे चुनरी चढ़ाते हैं। दोस्तों, मंदिर के पीछे का थोड़ा सा और व्यू हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, मंदिर के पीछे एक तालाब है, हम आपको यहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं।
दोस्तों बहुत ही खूबसूरत वातावरण है यहाँ पे, बहुत मतलब खेत का यहाँ पे नज़ारा है, हरियाली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब आप इस मंदिर में आएंगे तो चारों तरफ एकदम हरियाली ही हरियाली है और खेत है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आपको, मन की शांति आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे महामाया माई मंदिर आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।